आई सावनिया आया बादल छाए, बुलबुल बोले फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने चौकीदार ने रख दिया। सीनियर तू है चौकीदार, जब तू सीनियर है तो चौकीदार को मना किया होता। चौकीदार कैसे मना करता साहब, मजा आ रहा था। थाना फूलपुर में मजा लेने आते हैं, क्या बोल रहा? क्यों थाना फूलपुर में ड्यूटी करने के लिए आते हो या फिर मजा लेने के लिए आते हो? साहब गलती हो गई, आई एम सॉरी साहब, इस गलती की माफी दी जाए। किसकी इजाजत से अल्लाह हो रहा था? चौकीदार की इजाजत से हो रहा था। अरे बुलाओ चौकीदार को, मैं उससे पूछताछ करूंगा, बुलाओ। हमारा मूड ही खराब, चौकीदार क्या हो रहा था? बातचीत होने के साथ साथ ये चल तलवारबाजी कैसे हो रही थी? जब तक साहब नहीं आते हैं तब तक तुम आल्हा सुनो। हमारे साहब औकात कहां? हम तो साहब कुरही ने चैला चेरी कहीं ना कहीं तेरी गलती कोई नहीं नो। कहने का मतलब ट्यूशन में झंडे को छुट्टी नहीं होती। अच्छा तो कहने का मतलब दीवान क्या कहने कहने से हो रहा था? आपस में डिसाइड कर और हमें बताओ कि दीवान क्या कहने से हो रहा था या फिर चौकीदार के कहने। देश परेशान नेता से, बाप परेशान बेटा से, हम लिखे तुमसे परेशान। असाड़ भर परेशान रही हो। हमसे एक बात बताओ। अच्छा तुम आल्हा चालू कर रहे थे, गलती हमारी दे रहे हो। हम कहाँ कहीं गवाही दे दे, तुम्हें कातरा शुरू करो। तमाचा परेड के बह गरिया ना ना, तुम्हारे जो मुंह था भर बना है बराबर हुई मनी हाँ नहीं। चीटियत ना लाइफ और सैतान का थे क्यों ला? जब बात करने की तमीज और तहजीब नहीं है, हर बात में गालियां पका करते हो। तुम्हें माँ बाप ने यह सिखा रखा है? और वो छोटा वाला कहाँ गया रे? कहाँ गया
भल्लू हवलदार रे। तुम्हारा नाम शहीदों में आ सकता है, समझे? ये यूनिफॉर्म रे कैसी पहने रे? ये यूनिफॉर्म कच्ची है तुम्हारी? क्यों? इसमें ये कलर कैसा लगा रखे हो? कितने जगह से फटी है तेरी वर्दी? क्यों दीवान? कल से थाना प्यासा फूलपुर में आना है तुम्हें तो नई अगर क्या नाम है तेरा? भल्लू हवलदार। थाना फूलपुर में कितने दिन से हो? दो महीने से। चलो पीछे हटो। चौकीदार कम है रही हूँ, गाली दे रहा हूँ, देखा इसे गाली दे रहा हूँ। अरे चौकीदार कम है उनका मतलब नहीं समझता है? मेहरू का मतलब नहीं समझते हो? अरे हम जी ये बताओ कम हेरू का मतलब तुम समझते नहीं हो, और जब हमने कहा तुम्हें अपनी तरफ बुला रहे हैं तो तुम आंधी तूफान की तरह भागते हुए आए और खुद मरते हमें भी मार डालते हैं क्यों रे कुत्ते? दीवान ये साला चौकीदार है या भूत बना है? कहीं निकल गया, हमें टोपी पकड़ा के निकल गया। यहाँ आओ, यहाँ आगे बैठ। क्या नाम है तेरा? महादेव। तेरा नाम महादेव? जब तेरा नाम महादेव तो तेरे बाप का क्या नाम है? रहाई दो। तेरी माई के खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तेरा नाम महादेव, तेरे बाप का नाम रहाई दो। क्या तुम्हारा नाम तैसे तुम्हारे बाप का नाम? तुम्हारा नाम महादेव, तेरे बाप का नाम रहाई दो, फिर तेरे बाबा का क्या नाम? बाबा का नाम सीधे पहन ये पहन लीजिए। नाम है कोई? किस खानदान से ऊपर थी तुम्हारे? ठेठर वाले निर्वंशी नहीं राजवंशी, मतलब पसिया सुअर पालने वाले हो। पीछे यहाँ 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 पहले यहाँ यहाँ ये बताइए साफा क्या किए हो? साफा साहब हो जाए साहब का नाम हमारे जत्ता परवार। हाँ जत्ता हमारे परवार है। हाँ सब पुजारी टोटल। ये पुजारी है? कोई सका है? हमको लग नहीं रहा है। अरे कोई हमरे कमी है? कमी है? हमको लगता है कि भिखमंगा हो। नहीं
नहीं साहब भीख मांगे वाले में जो असर है तो भीख मंगा वो क्यों रे नहीं है। किस देवता के पुजारी हो? अरे साहब हम उघड़न का उघड़न का पुजारी है। उघड़ का मतलब क्या होता है रे? उघड़ रहा है हमें नहीं पता है। अबे उघड़ तेरी तुम्हारे सामने नहीं क्या बताओ क्या खुली बात आगे बात ना पड़ा। उघड़ का मतलब क्या होता है रे? उघड़ साहब वो होते अगर टट्टी दे तो टट्टी खाए लगी नर्धाक पानी दे तो नर्धाक पानी पिए लगी। कहने का मतलब घोरी उसे बोलते लठिया साफ गेट पे नजर आओ। हर परिवार रहते निवर्तन में ही हां शाकाहारी बिल्कुल निवर्तन में मांस मछली खा फिर शाकाहारी। बरखुरदार आपकी तारीफ हम तुझसे तारीख पूछ रहा हूँ। कोई मैं जाहिल और कमार तुझे नजर आता हूँ मुझे भी मालूम है पहली तारीख है। हम तुमसे तारीफ का मतलब नहीं समझते हो क्या पूछ रहा हूँ? तारीफ का मतलब ये होता मैं तेरा शुभ नाम जानना चाहता हूँ। हमारा शुभ नाम जानना चाहता क्या होता है? हमारा तकिया कलाम है। तकिया कलाम के घर में रख के आना थाना फूलपुर में आना तो सिर्फ नाम होना चाहिए चड्ढा। सारी बातों को छोड़ एक काम करो जो इस थाना फूलपुर की गेट पे लिखा हुआ है उसे पुतवा दो। पुतवा दे हाँ और पुतवा करके उस पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दो कि थाना फूलपुर के अंदर दलालों का प्रवेश वर्जित है। और एक नसीहत हमारी दिलों और दिमाग में डाल लो। और कौन सी नसीहत है? थाना ग्राउंड के अंदर ना तो किसी का रिश्तेदार ना तो किसी का हेती व्यवहारी कोई शराब पी सकता है और ना तो किसी को कोई शराब पिला सकता है। और इसी के साथ साथ एक नसीहत और मेरी सुन लो। और कौन सी है साहब? और नसीहत ये है थाना फूलपुर के अंदर ना तो किसी से कोई घूस ले सकता है और ना ही किसी को कोई घूस दे सकता है। अगर ये दोनों काम करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त एक्शन लूंगा। आपकी नसीहत सर आंखों पे है साहब। अच्छी बात है दीवानवा हवलदार लाओ लाओ थाना फूलपुर की चिट्ठी फाइल लाओ। दीवान वाह हवलदार मैं जा रहा हूँ ऑफिस के अंदर बैठ करके फाइल को चेक करूंगा जी साहब। तब तक के ड्यूटी पे चलते फिरते नजर आना अगर बदतमीजी करते नजर आ गए तो हमारा नाम नहीं जानते हो। हमारा नाम है इंस्पेक्टर करण सिंह। करण सिंह के नाम से तो वाकिफ हो गए लेकिन कारनामों से वाकिफ। ये साला इंस्पेक्टर है कसाई है। आते आते साला ऐसा कहने लगा थाने में कोई रिश्वत नहीं ले सकता है थाने में कोई शराब नहीं पी सकता है। अरे जब हम रिश्वत नहीं लेंगे तो कहां से मुर्गा खाएंगे कहां से शराब पिएंगे। इसका साले का प्लान हम सोचते हैं मानने का। पहले तो हम बैठ के सोचते हैं ऐसा साले को मारा कैसे जाएगा। अरे भैया कोई है हल्दे और का मर के हां आए हुए हैं जो बच्चों को जो है स्कूल में पढ़ाते हैं वही आए हैं। कादम निपोर लिखवाई बा
नमस्कार नमस्कार, क्या करने आए हो? रिपोर्ट लिखाने आए हैं साहब। कसाई के दुकान पे कोई फूल थोड़ो चढ़ाने आएगा? अच्छी बात है, रिपोर्ट लिखाने आए हो, पैसे लाए हो रे साहब? साहब रिपोर्ट लिखवाने के कहीं पैसे पड़ते हैं? नहीं सही साहब, यहाँ तो अन्नदान बढ़ता है, बोरी नहीं दो चल लाए, लेडी के घर में खाओ जाकर। मैंने सुना है साहब कि फूलपुर में कोई रिश्वत नहीं ले सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम साहब पैसे मांग रहे हो? अच्छा, फूलपुर थाने में हम तुम्हारे बाप के नौके हैं? सुबह से शाम तक बैठे बैठे कुर्सी पे चूतड़ में छाले पड़ जाते हैं, हम अगर रिश्वत नहीं लेंगे तो कहाँ से खर्चा चलाएंगे? लगाई हो टार चाहिए याग तमाचम छर 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 मुते लगे हो भाई, पैसा ला हो रे तो मास्टर के ले लो, हम लौड़िए के लेंगे। थाने में लड़कियों की तलाशी नहीं ली जाती है? तुम्हारा क्या नाम है? मास्टर दीनानाथ। मास्टर दीनानाथ किसकी रिपोर्ट लिखाना है? नागेश्वर के खिलाफ। कौन रिपोर्ट लिखा रहा है? मास्टर दीनानाथ। किस नाम से लिखे? नागेश्वर के नाम से। हुआ क्या साहब? एक केस है। किसके साथ हुआ? हमारी बेटी के साथ। हमने क्या तुम्हारे साथ हुआ? बार बार हम वही के पूछ रहे, हमें बेवकूफ बना रहे हो? तेरी बेटी के साथ हुआ? कौन बेटी है तेरी? ये तुम्हारी बेटी है? बच्चों को शिक्षा देते रहे, तुम्हारा भी दिमाग खोखला हो गया? इतनी जवान खूबसूरत लड़की को लिए थाने में घूम रहे, कोई बलात्कार नहीं करेगा तो क्या आरती उतारेगा इसकी? शादी क्यों नहीं करेगी? 17 साल की हमने 8 साल की लड़की थी, मैंने शादी कर दी के, और तुम 17 साल लड़की को लिए थाने में घूमे? जमाने के अनुसार नहीं दौड़ते हो तुम लोग, और साले खाम खाम बाउंड्री बना रखे हो। आगे साहब। नमस्ते साहब। नमस्कार नमस्कार, क्या हुआ साहब? नागेश्वर ने मेरी इज्जत लूट ली साहब। चौकीदार, एक बात बताओ हमें, इतने सालों से ड्यूटी करते करते हमको हो गया है, ये साली इज्जत कैसी होती है रे? इज्जत ही सबसे बड़ी अनमोल चीज होती है। अरे जहुआ जहुआ ना, इज्जत जो चली गई जान लो सब कुछ चला गया। अरे साहब इज्जत के विषय में नहीं जानते हो? हमको मालूम है साहब, आप जरा पेंट खोलिए जी, पैंट खोलिएगा और तनी हमरे घर घूमो, खाली झुको उतनी तो इज्जत चली जाएगी, तो कोई बिरवो में लगा देगा। ठीक है, ये बात हमें चुप्पे बता दिया होता कोई नहीं चुप्पे। अब ना समझे हो तो लैट्रिन में चलो। साहब रिपोर्ट लिख लो साहब। अब एक बात ये बताओ, इज्जत आगे से लुटी या पीछे से? यहाँ साले बाउंडर बना के साहब को साहब साहब कर रहे हो। आगे बढ़ो। क्या नाम है और कहाँ से? मेरा नाम मास्टर दीनानाथ है, मैं इसी रियासत ग्राम फूलपुर में रहता हूँ।
मास्टर दीनानाथ। तो किस लिए थाना फूलपुर में आना हुआ साहब? रिपोर्ट, हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ साहब। क्या बलात्कार हुआ? किसने बलात्कार किया है? मंत्री शंभुनाथ का बेटा नागेश्वर ने। नागेश्वर, नागेश्वर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ। और मैं कसम मर्दी की खा के कहता हूँ, मैं उसको पकड़ के लाऊंगा। किसके साथ? तुम्हारी बेटी के साथ रेप हुआ है ना? पीछे तुम्हारा क्या नाम है? सामने का नाम विशाल है। विशाल, तुम इसलिए कौन हो? लेकिन रहजनी हो गई है साहब। रहजनी हो गई है? तुम्हारे थाने में चोरी भी होती है साहब। थाने के अंदर रहजनी और चोरी? तुम्हारी रहजनी चोरी किसने किया है? अरे किसने किया है? गिरा काटी मुंह को बंद रखो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैंने अभी अभी पूरे डिपार्टमेंट को नसीहत दिया है, और उस नसीहत को इतनी जल्दी हमारा डिपार्टमेंट नहीं भूल सकता। मैं कम से कम 30 साल से बच्चों को पढ़ा रहा, किसी को गलत शिक्षा नहीं दिया, ना तो किसी को गलत बताया, और नहीं आज साहब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये चड्डा साहब ने मेरी गिरा कर दिया साहब। सच कहा, एक मास्टर होकर के झूठ नहीं बोल सकता है। दीवान, ये बताओ, मास्टर दीनानाथ का बेटा जिसका नाम है विशाल, विशाल तो कहता है कि थाना फूलपुर में हमारी गिरा काटी और राहगिरी हो गई। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भाई गिरा काटी राहगिरी? तो वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो थाने के अंदर राहगिरी और गिरा काटी कर सकता है? देखो भाई, जैसे मास्टर दीनानाथ के बेटे हो वैसे हमारे बेटे। क्यों नहीं? तुम खुले शब्दों में कहो तुम्हारा सामान लिया कौन? डरने की बात नहीं है, मास्टर दीनानाथ हुआ विशाल, डरने की बात नहीं है, जो भी हुआ है सच्चाई हमें बताओ, मैं उस सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहता हूं। मैं सच्चाई बोलता अपने कसम खाकर कहता हूं, इसने पैसे अभी अभी दी हुई नसीहत पे तूने पानी फेर दिया, और मास्टर दीनानाथ के साथ में ऐसा तूने। शंकर भगवान का भक्त हूँ, मानता हूँ, शंकर भगवान की कसम, मैंने दीनानाथ का कोई सामान नहीं दिया। मास्टर दीनानाथ, तुम्हें इतना भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी डिपार्टमेंट को नसीहत दिया, वो नसीहत हमारा डिपार्टमेंट नहीं भूल सकता है। दीवान भी कसम खा गया है कि मैं शंकर भगवान का भक्त हूँ, शंकर भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं मास्टर दीनानाथ के पैसे नहीं। ये तो शंकर भगवान की कसम था, लेकिन हमने साहब अपने बच्चों की कसम खा गया। अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं सुबह का वक्त है, मैं बच्चों को मुंह नहीं देखूं। वो भी अपने बच्चों की कसम खाता है मास्टर दीनानाथ। ये तुम समझ रहे हो? हाय भगवान, एक पुजारी पे अगर जो इल्जाम लगाओगे तो भगवान कसम कोढ़ी जरूर हो जाओगे। चुप रहो, चुप रहो, हमें एक बात बताओ दीवान, इस चोरी और राजनी का फैसला हो तो कैसे हो? साहब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मास्टर दीनानाथ का दिमाग खोखला हो गया, दिमाग पागल हो गया, ये नहीं समझ। सच कहा, दो चार साले के लगा भी दिमाग सही हो जाएगा। ये भी बात तेरी सच है, दो चार हंटर मास्टर दीनानाथ के लगेंगे तो खुद ब खुद बकने लगेंगे कि पैसे हमारे नहीं चोरी हुए। मास्टर दीनानाथ, मास्टर दीनानाथ, सच्चाई बयान करो मास्टर दीनानाथ।